सभी किसान दीदी और भैया नमस्कार। मेरा नाम उमेश है और मैं प्रधान संस्था मोहगांव में काम करता हूँ। आज मैं ग्राम मंगवानी में आया हुआ हूँ। यहाँ पर खेती का सीजन चल रहा है, धान की बोइयाँ का मौसम आ गया है और यहाँ पर किसान भाई अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो आइए आज हम कुछ किसानों से मिलते हैं और जानते हैं कि इस समय वो कौन कौन सी तैयारियाँ कर रहे हैं। भैया राम राम। जय राम। भैया मेरा नाम उमेश है। हाँ। और मैं प्रधान संस्था में काम करता हूँ। अभी मैं मोहगांव से आ रहा हूँ, तो कृपया आप अपना परिचय बताइए ना जरा। भैया मेरा नाम प्रहलाद सिंह मरावी है, मैं ग्राम मंगवानी कटंगा टोला का हूँ। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ सर। भैया इस समय आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी भैया 10-15 दिन के बाद हमारी धान की रुपाई होने वाली है, इसलिए मैं अपने धान की बीज खरीद कर रहा हूँ। सही अपने धान की रूप तैयार। अच्छा, रूपा तैयार करने के लिए आप कर रहे हैं। भैया आप ये जो धान के बीज का परीक्षण कर रहे हैं अभी, तो क्या मैं भी इसको समझ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, मैं करके दिखा सकता हूँ आपको। हाँ भैया, तो आप करके दिखाइए, आप करते जाइए, मैं देख लेता हूँ समझ। हाँ ठीक है ना भैया। भैया धान के परीक्षण के लिए कुछ सामान लगते हैं। अच्छा। तो उसमें से एक बाल्टी लगता है और एक अंडा लगता है और नमक लगता है और धान के बीज भी लगता है। अच्छा, ये सारे सामान आपको धान के बीज के परीक्षण के लिए? हाँ भैया। हाँ भैया। भैया इसमें हम बीज परीक्षण के लिए 2 लीटर पानी डालते हैं। अच्छा। और इसमें एक अंडा डाल देते हैं, ये पानी में बैठ जाता है। हाँ, ये अंडा तो पानी में बैठ गया भैया। हाँ भैया, इस अंडे को फिर हम निकाल देते हैं बाहर। अच्छा। और इसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिलाते हैं। अच्छा, पानी में नमक मिलाते हैं। हाँ। भैया जी अंडा डाल के देखते हैं। अच्छा। बैठ गया है भैया। हाँ जी। तो इसमें और नमक डालेंगे? अभी अंडा बैठ गया है तो और नमक डालेंगे पानी। हाँ। अच्छा, और नमक क्यों मिलाएंगे भैया इस पानी में? जब तक ये तैर ना सके, मतलब ऊपर ना आ सके। जब तक अंडा तैरेगा नहीं तब तक इसमें आप नमक मिलाएंगे? हाँ। अच्छा, भैया इसमें और नमक मिला दिए हम। अच्छा। अब अंडा डाल के देखते हैं। अच्छा। ये ऊपर आ गया। हाँ, ये नमक वाले पानी में तो अंडा तैरने लगा। हाँ, अब घोल तैयार हो गया। अच्छा। अब इसमें हम भैया इस धान बीज हम डालते हैं। अच्छा। Thank you.
भैया जी बीज डालते हैं हम धान की। अच्छा, तो जितना सही बीज है वो नीचे बैठ जाता है। अच्छा, और खराब बीज जो है वो ऊपर बैठ जाता है। मतलब इस नमक के घोल में डालने से क्या होता है कि सही बीज नीचे बैठ गया। नीचे बैठ जाता है। और ये जो ऊपर तैर रहा है ये खराब बीज, ये खराब बीज है, इसको हम निकाल देते हैं खराब बीज को। अच्छा, तो भैया ये जो ऊपर खराब बीज तैर रहा है, हाँ, इसका आप क्या करते हैं? गाय बैलों को दे देते हैं, नहीं तो बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, इसके बाद इस नमक वाले पानी को दूसरे बर्तन में डाल देते हैं इस तरीके से। अब देखिए इस धान को साफ पानी में दो बार धुलते हैं। फिर से दोबारा इसे धुलते हैं जिससे इसका खारापन। इस तरह से हम बीज का परीक्षण करते हैं और सही बीज का चुनाव करते हैं। इस तरह मतलब इस सारी प्रक्रिया के बाद आप अपने सही बीज का चुनाव कर पाते हैं। अच्छा भैया, ये बीज परीक्षण आपने जब भी धान का बीज परीक्षण किया, ये बीज परीक्षण करना जरूरी क्यों है? भैया बीज का परीक्षण हम इसलिए करते हैं कि जो घरेलू तरह से बीज को सुपर से फटकते हैं जी। और बीन लेते हैं, हाँ। तो उसमें काफी हिस्सा वो बीज का खराब रहता है। अच्छा। उसको हम पहचान नहीं पाते, हाँ। इसलिए जी परीक्षण करते हैं। अच्छा, जो हिस्सा आप पहचान नहीं पाते हैं तो इसीलिए आप ये बीज का परीक्षण करते हैं ताकि आप सही बीज का चुनाव कर सकें। अच्छा भैया, इस तरह से बीज का परीक्षण आप कब से कर रहे हैं? भैया मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। बीज परीक्षण कारण मेरे को ज्यादा पैदावार मिलता है और फायदा भी मिलता है। अच्छा, इस तरह से बीज परीक्षण करने से आपको ज्यादा पैदावार मिलने लगी? हाँ भैया, ज्यादा पैदावार मिलता है तो फायदा भी बढ़ गया। फायदा भी ज्यादा। अच्छा, हाँ भैया, तो ये जो बीज परीक्षण आपने किया नमक वाले पानी से, हाँ भैया, तो ये बीज परीक्षण के बारे में आपको कैसे जानकारी लगी? कहाँ से पता चला कि इस तरीके से बीज परीक्षण करते हैं? भैया हम 2 साल से स्व सहायता समूह से जुड़े हैं। हमारे यहाँ प्रधान संस्था वाले भैया आते हैं, उन्हीं से जानकारी मिली है कि अच्छी पैदावार लेना है तो स्वस्थ बीज पाना है। इसीलिए हम स्वस्थ बीज पाने के लिए हम बीज का परीक्षण करते हैं। भैया आप पिछले 2 वर्षों से बीज का परीक्षण कर रहे हैं, हाँ, तो आपको लाभ भी मिल रहा है, हाँ। तो आप अपने जैसे के दूसरे किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ भैया, मैं बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ दूसरे किसानों को। मैं सभी किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छी
पैदावार के लिए अच्छी बीज बोएं और अच्छी बीज पाने के लिए बीज का परीक्षण जरूर करें। तो भैया, हाँ भैया, धान की खेती में बीज परीक्षण से संबंधित जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चलना चाहूंगा भैया आपके पास से। हाँ भैया, जय श्री राम। Tanak tum, 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 tanak tum